हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फोर के पर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज बात करने वाले हैं जनवरी 2023 करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है एक वर्ष में देश के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर का क्या नाम है। ऑप्शन ए देगा राजकोषीय घाटा, बी राजस्व घाटा, सी प्राथमिक घाटा, डी बजट घाटा। तो दोस्तों इसको सही हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकोषीय घाटा। दोस्तों सभी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, 2023 जनवरी के हैं, आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको लेटेस्ट ही दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट दिया है किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYM घोषित किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYM घोषित किया गया है वो 2023 को किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों कौन सी संस्था भारत में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण SRS आयोजित करती है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों जो भारत में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण यानी कि SRS आयोजित करती है वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। SRS जो आयोजित करती है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट दिया है जनवरी 2023 तक सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जनवरी 2023 तक सामान्य विधि भविष्य निधि के लिए ब्याज दर क्या है। ऑप्शन ए दे रखा 6.1%, वी 7.1%, सी 8.1%, डी 8.5%। तो दोस्तों जनवरी 2023 तक का सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर जो घोषित किया गया है दोस्तों वो 7.1% घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं ऐसी क्लास आपको कंटिन्यू देता रहता हूँ। नेक्स्ट दिया है किस देश ने राजधानी शहर से दूर जाने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी USA, डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों बताइए कौन सा देश ने राजधानी से शहर से दूर जाने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, वो जापान ने की है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी MCQ जनवरी 2023 के लेटेस्ट MCQ हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों किस संस्था ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की। ए दे रखा है ONGC, वी दे रखा है NTPC, सी PFC, डी गेल। तो दोस्तों जो किस संस्था ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की वो NTPC ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले किस राज्य से थी। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ दोस्तों। ऑप्शन इधर रखा है तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जो थी वो महाराष्ट्र राज्य से थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी दे रखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लागू की गई है, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND योजना का परिवय क्या है। ए दे रखा है 1500 करोड़ रुपए, बी दे रखा है 2500 करोड़ रुपए, सी दे रखा है 3000 करोड़ रुपए, डी दे रखा है 4000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जो BIND योजना का परिवय है वो दोस्तों 2500 करोड़ रुपए है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हाल ही में किस देश में मेंढक की 20 नई प्रजातियां पाई गई हैं। अभी हाल ही जनवरी में किस देश में मेंढक की 20 नई प्रजातियां पाई गई हैं। ऑप्शन ए दे रखा है भारत, बी मेडागास्कर, वी दे रखा है चीन, डी दे रखा है बांग्लादेश। तो दोस्तों जो
20 नई प्रजातियाँ पाई गई हैं, वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, कौन सा राज्य के स्वामित्व वाली संस्था IDBI बैंक के सह प्रबंधकों में से एक है? ऑप्शन ए दे रखा है RBI, बी दे रखा है SBI, सी दे रखा है LIC, डी दे रखा है केनरा बैंक। तो दोस्तों, जो स्वामित्व वाली संस्था IDBI बैंक के सह प्रबंधकों में से एक है वो LIC है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, IFFHS द्वारा 2022 के लिए किस फुटबॉलर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है? जो IFFHS जो 2022 के लिए फुटबॉलर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है, ऑप्शन ए दे रखा है किलियन एम्बाप्पे, बी नेमार, सी लियोनेल मेसी, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों, किसको घोषित किया गया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लियोनेल मेसी को जो है 2022 के फुटबॉलर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस संस्था ने हाल ही में पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए माइक्रोस्पोरस आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है? ऑप्शन ए दे रखा है IIIT हैदराबाद, बी IISC बेंगलुरु, सी IISI पुणे, डी IIT मद्रास। तो दोस्तों, किसने किया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, IISI पुणे, SI पुणे द्वारा किया गया है, अकार्बनिक पदार्थ विकसित करने के लिए किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस भारतीय राज्य ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, किसने किया है 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको पता है जनवरी में ही किया गया है, तो वो उसमें उत्तर प्रदेश ने किया, इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल दोस्तों यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कौन सा शहर 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक का मेजबान है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, जनवरी का लेटेस्ट MCQ देख रहा मिल रहा है आपको, 2023 भी लिखा है। ऑप्शन इधर का है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कैलिफोर्निया, डी वाशिंगटन DC। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ब्लू करेक्ट हो जाएगा, वाशिंगटन DC जो भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक का मेजबान करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह है, जग मिशन के लिए किस राज्य ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? ए कोलकाता, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो दोस्तों, किसने जीता जो जग मिशन के लिए राज्य पुरस्कार जीता 2023, वो उड़ीसा ने जीता था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अपने कई जिलों में एवियन फ्लू की चपेट में आया है? जो भारत का एक राज्य है दोस्तों, फ्लू चल रहा है, तो कौन सा राज्य सबसे पहले चपेट में आया? ऑप्शन इधर का उड़ीसा, बी केरल, सी झारखंड, डी बिहार। तो दोस्तों, कौन सा राज्य आया था? वो केरल आया है, इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी MCQ लेटेस्ट जनवरी 2023 के हैं। नेक्स्ट दिया, समाचारों में नजर आने वाला अनाहत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? आपने देखा होगा समाचारों में अनाहत सिंह जो आते रहते हैं, वो कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन इधर रखा है भारोत्तोलन, वी शतरंज, सी स्क्वेकेस, डी टेनिस। तो दोस्तों, कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत चयनित कुमार कोम और बेपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट MCQ खबरों में रहे, जेक मा किस देश के अरबपति हैं? आपने देखा होगा ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, जेक मा किस राज्य के अरबपति हैं? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी USA, डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, ये कहाँ के निवासी हैं? ये चीन के निवासी हैं, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू सपोर्ट, थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद, बाय बाय।